नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। पश्चिम बंगाल में इन दिनों फिर से गुंडागर्दी शुरू हो गई है और कहीं और नहीं ममता बनर्जी के गढ़ में। ममता बनर्जी की कुर्सी डगमगा रही है। ममता बनर्जी के गढ़ में क्यों हमला हो रहा है, पहले आप दर्शकों को तो बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, फिर उसके बाद बताएंगे कि दरअसल ऐसा हो क्यों रहा है। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं का जोश काफ़ी हाई था, यहां तक कि टीएमसी के तमाम नेताओं ने भी ममता का साथ छोड़ दिया था। लेकिन नतीजों ने बीजेपी को करारा झटका दिया। ममता बनर्जी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज करते हुए साबित कर दिया कि फिलहाल बंगाल की बॉस वही है। इसके बाद से ही राज्य में बीजेपी के लिए कुछ भी ठीक नहीं है हो रहा था। तमाम नेता पार्टी छोड़कर जा रहे थे और बंगाल में बीजेपी बिखरती दिख रही थी। लेकिन अब बीजेपी आलाकमान की तरफ से एक बार फिर कार्यकर्ताओं ने जान फूकने की कोशिश कर रही है। इसका बड़ा उदाहरण मंगलवार 13 दिसंबर को देखने को मिला, जब बीजेपी की तरफ से ममता सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ नबन्ना चलो मार्च का ऐलान किया गया। इस मार्च में हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे। पूरी प्लानिंग के साथ हर इलाके से कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया है और कोलकाता बुलाया गया है। हालांकि पश्चिम बंगाल पुलिस ने पहले से ही इस मार्च को लेकर तैयारी कर ली थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पूरे इंतजाम किए थे, लेकिन जब उन्हें रोका गया तो वो हिंसक हो उठे। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं के अलावा कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आगजनी भी हुई। आप दर्शकों को बता दें कि 2024 से पहले जोश भरने की ही ये तैयारी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरी कवायद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की थी, जिसमें बीजेपी सफल भी होती नजर आ रही है। भले ही ये मार्च पूरा नहीं हो पाया और पुलिस के साथ झड़प हुई हो, लेकिन जो पार्टी को इससे चाहिए था वो मिल गया है। चुनाव में हार के बाद सुस्त और शांत पड़े कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है। इस जोश को बीजेपी अब 2024 तक बिल्कुल भी शांत नहीं होने देना चाहती है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर ममता बनर्जी का एक्शन क्या रहता है, क्योंकि ममता बनर्जी के गढ़ में इस तरह का एक्शन सवाल पैदा करता है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज़।